यशस्वी यस सर। बताओ बेटा, कोई डाउट किसी तरह का, कोई स्ट्रेट लाइन सर्किल वाले में, कोई कॉन्सेप्ट का अगर रिवाइज किया है तो? अभी तो नहीं है। अभी नहीं है। और साथ में इंडिफिनिट भी बना रहे हो ना? यस सर। क्योंकि एग्जाम में तो उसमें एलएन वाले में तो स्ट्रेट लाइन और वो दोनों आएंगे ना। यस सर। अचल यस सर। बताओ, कोई पॉइंट जानना हो उसमें? नहीं सर। अच्छा, किसी को कुछ नहीं पूछना। दिवेज, साजिया, विक्रांत, वंशिका, बताओ। विनीता, नो सर। कुछ नहीं बेटा, तुम लोग के कुछ डाउट ही नहीं रहते ना, कैसे होगा? एंगल बाइसेक्टर निकाल लेते हो बच्चे? यस सर। एंगल बाइसेक्टर जस्ट रिवाइज करा दें। A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू जीरो रहेगा। A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू जीरो रहेगा। जहां पे C1 C2 का सेम साइन रहेगा, मान लो C1 C2 पॉजिटिव है, तो आप क्या करते हो इसमें A1 A2 प्लस B1 B2 कैलकुलेट करते हो। अगर ये लेस देन जीरो आता है तो प्लस वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और माइनस वाला ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर। और A1 A2 प्लस B1 B2 अगर ग्रेटर देन जीरो आएगा तो प्लस वाला हो जाएगा ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर और माइनस वाला हो जाएगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन ये होती है, ये लाइन लिख लेना, डिवाइड बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। प्लस माइनस वाले से ये सेंस है, इसमें से प्लस वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, माइनस वाला ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर। बस आपको ध्यान देना है कि C1 C2 का सेम साइन होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव हो, दोनों को पॉजिटिव बना के वर्क करो, बस और कुछ नहीं है इसमें। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमको निकालना है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन विच bisect the obtuse angle between the lines x minus 2y plus 4 equal to 0 and 4x minus 3y plus 2 equal to 0. यहाँ पे देखो दोनों में कांस्टेंट पॉजिटिव ही है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, A1 A2 प्लस B1 B2 कैलकुलेट करेंगे।
a1 a2 प्लस b1 b2 कैलकुलेट करोगे, a1 1 है, a2 4 है, b1 2 है, b2 माइनस 3 है, तो ये 6 हो गया, मतलब 10 आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। ये पॉजिटिव अगर आ गया तो प्लस वाला ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर, तो आप लिखोगे इक्वेशन ऑफ ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर एक्स माइनस टू वाई प्लस 4 बाय रूट 5 इज इक्वल टू, प्लस वाला लेना है, 4x माइनस 3y प्लस 2 बाय 5। कैंसिल करके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जो लीनियर इक्वेशन एक्स वाई में आएगा वही आपका ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा बच्चे। तो एक्यूट एंगल ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर निकालने का तरीका ये है। जैसे ये देखो बच्चे, एक लाइन ले लेते हैं 3x माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक 12x प्लस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ये दो लाइन है, इस दो लाइन का हमको एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, इन दोनों के बीच में जो एक्यूट एंगल बनता है उसके बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। तो पहले कांस्टेंट को सेम साइन कर लो, यहाँ प्लस है, इसमें सेम करने के लिए, प्लस करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चे। पहले इस फॉर्म में लिख लिया। नाउ कैलकुलेट a1 a2 प्लस b1 b2, तो ये नेगेटिव आ गया बच्चे, नेगेटिव आ गया तो इसके रेस्पेक्ट में प्लस वाला, प्लस वाला क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू प्लस 12x प्लस 5y प्लस 3/13। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यही एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। a1 a2 प्लस b1 b2 लेस देन 0 आएगा तो इसके रेस्पेक्ट में प्लस वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा बच्चे। इसमें और ये होता है एक थ्योरी, उस एंगल का बाइसेक्टर निकालो जिसमें अल्फा कॉमा बीटा लाई करता है। जैसे ये लाइन है 3x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0, 12x प्लस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, अगर हम बात करें, ये दो लाइन है, ये पहला वाला लाइन, ये दूसरा वाला लाइन, मान लो ये 2.3 यहां पे कहीं है, दोनों लाइन में किसी लाइन पे नहीं है, ये 2.3 है। हमको इस एंगल का बाइसेक्टर निकालना है जिस एंगल में 2.3 लाई कर रहा है, उस एंगल का बाइसेक्टर निकालना है जिसमें 2.3 लाई कर रहा है। इसमें कांस्टेंट को प्लस बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें क्या मेथड होता है जरा ध्यान से समझिए। क्या करना, 2.3 दोनों लाइन में रखना, अगर दोनों को प्लस बना दे या दोनों को माइनस बना दे तो इसके रेस्पेक्ट में प्लस वाला बाइसेक्टर ले लेना, और दोनों को अगर अपोजिट नेचर का बना दे तो माइनस वाला ले लेना। देखो 2.3 हमने इसमें रखा तो 6 माइनस 12 माइनस 1 ये नेगेटिव आया, और इसमें रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, एक में रखे तो नेगेटिव, एक में रखे तो पॉजिटिव आया, अपोजिट नेचर का बनाया। तो इस बाइसेक्टर की इक्वेशन होगी माइनस वाला इसके रेस्पेक्ट में, मतलब 3x माइनस 4y माइनस 1/5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 12x प्लस 5y प्लस 3/13 हो जाएगा बच्चे। ये उस एंगल का बाइसेक्टर है जिसमें 2.3 लाई कर रहा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा एंगल का बाइसेक्टर है, तो आ जाओ पिछले मेथड में,
पहले कांस्टेंट को सेम साइन का बना दिया है, आपने देखा है कि ये वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, तो क्या ये और ये सेम है या नहीं है चेक करो। देखो इसमें से माइनस कॉमन अगर लेंगे और उसको यहां लिख देंगे तो ये और ये सेम हो जाएगा बच्चे, हाँ या ना बोलो, ये सेम हो जाएगा। तो ये वाला जो होगा ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है और प्लस वाला जो होगा वो ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये 2.3 इसके एक्यूट एंगल में लाई कर रहा, बिकॉज दिस इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। यहाँ पे हमने समझाने की कोशिश किया उस एंगल का बाइसेक्टर निकालो जिसमें अल्फा कॉमा बीटा लाई करता हो। तो तरीका ये है, अल्फा बीटा हम दोनों लाइन में रखते हैं, अगर दोनों को सेम साइन का बनाए, मतलब दोनों को या तो पॉजिटिव या दोनों को निगेटिव बनाए, तो हम प्लस वाला ले लेंगे, और अपोजिट नेचर का अगर बनाएगा तो हम निगेटिव वाला ले लेंगे। ये समझ में आ गया बच्चे? Yes, sir. जैसे इसी क्वेश्चन में आपसे ये कहा जाता, आपसे ये जानना है कि ओरिजिन जो है वो इन दोनों के बीच में किस एंगल में है। भाई ये दो लाइन के बीच में एक्यूट एंगल भी बन रहा है, ऑब्टूज एंगल भी बन रहा है, तो ओरिजिन किस एंगल में है ये जानना चाहते हैं। मान लो ओरिजिन वाला आसान होता, ओरिजिन हमेशा प्लस वाले के साथ होता है। जैसे इस वाले में ना एक लाइन और है, ये केस में, जैसे इस वाले केस में क्या होगा, जब C1 C2 को सेम साइन का बना के रखोगे, ओरिजिन एक्यूट एंगल में लाई करेगा और इस केस में जो होगा ओरिजिन ऑब्टूज एंगल में लाई करता है, और अलग से भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अलग से अगर निकालना चाह रहे हो, देखो ये लाइन था 3x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा था 12x प्लस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। हमको उस एंगल का बाइसेक्टर निकालना है जिसमें ओरिजिन लाई कर रहा, ओरिजिन दोनों में रख के देखा तो एक को प्लस बना रहा है एक को माइनस बना रहा, मान लो ये ओरिजिन है। पहली बात हम ये जानना चाह रहे हैं कि उस एंगल का बाइसेक्टर निकालो जिसमें ओरिजिन लाई करता है, फिर बताना कि ओरिजिन किस एंगल में लाई करता है। तो ऐसा करेंगे बच्चे, ओरिजिन दोनों में रख के देखा तो अपोजिट नेचर का बना रहा है, अपोजिट नेचर का बना रहा है तो हम निगेटिव वाला ले लेंगे। ये हो गया, इस एंगल की ये वाली आ गई। अब मान लो हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये एक्यूट एंगल है का बाइसेक्टर है या ऑब्टूज एंगल का बाइसेक्टर है। तो एक्यूट एंगल ऑब्टूज एंगल निकालने का तरीका तो आप जानते हो, अभी आपने निकाला था, ये देखो ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर था कांस्टेंट को सेम बनाने के बाद। तो माइनस अगर कॉमन लेंगे यहाँ पे तो यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, यानी ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, यानी ओरिजिन जो होगा वो एक्यूट एंगल में लाई करेगा, ओरिजिन जो होगा वो एक्यूट एंगल में लाई करेगा बच्चे। तो बाइसेक्टर से रिलेटेड आप ये काम कर सकते हो। सेकेंड स्ट्रेट लाइन में ये कॉन्सेप्ट है, किसी भी लाइन से थीटा एंगल पे, इधर भी लाइन हो सकता है और इधर भी लाइन हो सकता है थीटा एंगल पे, इसके पैरेलल जितने भी लाइन होंगे सब थीटा एंगल पे होंगे और इसके पैरेलल जितने भी लाइन होंगे सब थीटा एंगल पे होंगे। मतलब एक लाइन से थीटा एंगल पे दो लाइन होगा, मतलब दो सेट ऑफ लाइंस होंगे, एक इधर वाले होंगे एक इधर वाले होंगे, इधर वाले सबकी स्लोप सेम होगी, इधर वाले की स्लोप सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो 2x प्लस 3y
माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो है। आपसे कहा जाएगा कि इससे 45 डिग्री पे लाइन की स्लोप बताओ, तो 45 डिग्री पे इधर भी होंगे और इधर भी होंगे, स्लोप दो आएंगे। देखो कैसे निकालेंगे, इसकी स्लोप है माइनस टू बाई थ्री, जो 45 डिग्री पे लाइन है उसकी स्लोप m मान लिया, तो आप लिखोगे tan 45 इज इक्वल टू m प्लस टू बाई थ्री, एम वन माइनस एम टू, वन प्लस एम वन एम टू, इसका मॉड लिखते हैं बच्चे, तो 3m प्लस टू अपॉन 3 माइनस 2m का मॉड 1 के बराबर, तो 3m प्लस 2 अपॉन 3 माइनस 2m प्लस माइनस 1 के बराबर। यहां से m की दो वैल्यू आ जाएगी, प्लस साइन अगर लेते हैं तो 5m हो गया 1 के बराबर, तो m की वैल्यू 1 बाई 5 हो जाएगी, और माइनस साइन अगर लेते हो तो ये हो गया m इज इक्वल टू माइनस 5। चेक कर लेना बच्चे, 45 पे है अगर दोनों तो ओबियस है इसके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट माइनस 1 आना ही है। तो कभी भी अगर 45 डिग्री थीटा एंगल पे लाइन की स्लोप बोले ना, तो m की दो वैल्यू क्यों आती है उसका ये एक्सप्लेनेशन है, उसका ये एक्सप्लेनेशन है बच्चे, ठीक है ना? बोलो, ये देखो क्वेश्चन, सी सेक्शन में 10th नंबर क्वेश्चन लेने हैं इसी लॉजिक पे। पी क्यू आर राइट एंगल आइसोसेलेसिस राइट एंगल एट पी, इफ द इक्वेशन ऑफ लाइन क्यू आर इज, ऐसा है, पी क्यू आर है राइट एंगल आइसोसेलेसिस है, राइट एंगल आइसोसेलेसिस है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, पी का कोऑर्डिनेट 2,1 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, आइसोसेलेसिस होने से ये 45 हो गया, ये 45 हो गया। तो आपको यहाँ पे भी देखो, आपसे क्वेश्चन में कह रहा कि पी क्यू और पी आर की कंबाइंड इक्वेशन बतानी है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पी क्यू एंड पी आर। तो क्या करना है, इस लाइन से 45 डिग्री पे लाइन की स्लोप निकाल लो, इसकी स्लोप माइनस टू है, 45 पे स्लोप हमने m मान लिया बच्चे, इसकी स्लोप m मान लिया, तो ये आ जाएगा m1 प्लस m2, m1 माइनस m2, 1 प्लस माइनस 2m, इसका मॉड, तो m प्लस 2, 1 माइनस 2m आ जाएगा प्लस माइनस 1, प्लस साइन लेंगे तो m प्लस 2 आ गया है 1 माइनस 2m के बराबर, तो m की वैल्यू माइनस 1 बाई 3 होगी, और माइनस वाला लोगे ये आएगा, तो m की वैल्यू 3 होगी। तो PQ लाइन लिख सकते हो y माइनस 1, एक की स्लोप 3 है, y माइनस 1 एक की स्लोप 3 ले लिया, x माइनस 2 यानी 3x माइनस y माइनस 5 इक्वल टू 0, और पी आर मान लो ले लिया, कोई भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, y माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 बाई 3, x माइनस 2
या 3y-3 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, तो एक्स प्लस 3y-5 इक्वल टू जीरो, ये दो लाइन आ गया, तो इसका कंबाइंड इक्वेशन हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, दिस इक्वल टू जीरो, मल्टीप्लाई कर दोगे कंबाइंड इक्वेशन आ जाएगा। तो आप ये सी सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 10 देख के कर सकते हो बच्चे। ये समझ में आया? बोलो बच्चे। तो एक कॉन्सेप्ट हमने दिया एंगल बाइसेक्टर का बच्चे, एक कॉन्सेप्ट दिया कि अगर कभी भी आपको लगे कि एक लाइन से थीटा एंगल पे लाइन है तो स्लोप 2 आएगा, उसका लॉजिक ये बताया बच्चे। एक कॉन्सेप्ट में लेते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, इसका भी यूज होगा। इसमें कह रहा सब्जेक्टिव में 20 क्वेश्चन, बस ध्यान रखना है थ्योरी ये है, x1, y1 से r डिस्टेंस पे पॉइंट अगर लेना है तो x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा, जहां पे tan थीटा इसकी स्लोप होगी। ध्यान रखना है कि tan थीटा अगर पॉजिटिव हुआ मतलब थीटा एक्यूट होगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा दोनों पॉजिटिव हमको लेना पड़ेगा, और अगर टेन थीटा नेगेटिव हो गया तो थीटा ऑब्टूज हो जाएगा 90 से ज्यादा 180 से, तो उस समय साइन थीटा पॉजिटिव होगा और कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी, ये ध्यान रखना है, क्योंकि टेन थीटा दिया रहेगा तो साइन कॉस निकालोगे ना, उसी के अकॉर्डिंग ही निकालोगे। दिस इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। इंक्रीजिंग डायरेक्शन में आर की वैल्यू पॉजिटिव ले लेना, और डिक्रीजिंग में अगर रहा, अगर आप ग्राफ बना के देखोगे उल्टे डायरेक्शन में रहेगा तो आर की जगह माइनस आर लिख देना। अब एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन नंबर 20 है सब्जेक्टिव का, उसमें कह रहा ए लाइन थ्रू -5, -4 मिड्स लाइन x+3y+2 इक्वल टू जीरो, x+3y+2 इक्वल टू जीरो। दूसरा लाइन दिया हुआ है 2x+y+4 इक्वल टू जीरो, और एक है x-y-5 इक्वल टू जीरो एट BCD रेस्पेक्टिवली इफ 15/AB का स्क्वायर, 10/AC का स्क्वायर, 6/AD का स्क्वायर, ये इक्वल दिया हुआ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है बच्चे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, यहां से पास करता हुआ लाइन ये तीन जगह पे कट कर रहा, AB, AC और AD में रिलेशन दिया हुआ है, आप लाइन की इक्वेशन निकालो। इसका नाम R1 दे दो, इसका नाम R2 दे दो, इसका नाम R3 दे दो, फिर सोच के देखो। यूज पैरामेट्रिक फॉर्म, करके देखिए, 3-4 मिनट का समय देता हूं, कॉपी और पेन निकाल लीजिए।
मेंस में इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूं। ए बी को आर वन मान लो, ए सी को आर टू और ए डी को आर थ्री मान लो, और टेन थीटा इसकी स्लोप मान लो, क्योंकि अगर स्लोप निकल गया, पॉइंट पता है, तो लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसकी स्लोप टेन थीटा मान लिया, लेट स्लोप टेन थीटा, ये आर वन मान लिया, ए बी आर वन, ए सी आर टू, ए डी आर थ्री, तो ये पॉइंट हो गया आर वन डिस्टेंस पे माइनस फाइव प्लस आर वन कॉस थीटा कॉमा माइनस फोर प्लस आर वन साइन थीटा हो जाएगा। कहोगे ये जो पॉइंट है इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो यहां पे लिखोगे माइनस फाइव प्लस आर वन कॉस थीटा प्लस थ्री माइनस फोर प्लस आर वन साइन थीटा प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। यहां से आ जाएगा ये माइनस फाइव है, ये माइनस ट्वेल्व, माइनस सेवनटीन, प्लस टू माइनस फिफ्टीन, वो इधर जाके ये फिफ्टीन होगा, फिफ्टीन बाई आर वन आ जाएगा कॉस थीटा प्लस थ्री साइन थीटा। ये पहली इक्वेशन आ गई बच्चे, हमने फिफ्टीन बाई ए बी की वैल्यू निकाल लिया। दूसरे से ऐसी देखोगे कि टेन बाई आर टू निकल जाएगा। इसको सेटिस्फाई कराओ बच्चे, बस यहाँ पे चेंज ये आएगा, यहां से R2 डिस्टेंस पे जब पॉइंट लिखोगे ना, तो यहाँ R1 था, तो यहाँ पे R2 cos थीटा और R2 sin थीटा उसकी जगह आएगा। तो हम लिखेंगे 2, इसको सेटिस्फाई करेगा 2x की जगह माइनस फाइव प्लस R2 cos थीटा प्लस y की जगह हमारे पास है माइनस फोर प्लस आर टू साइन थीटा प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। ये फोर फोर कैंसिल हो गया, तो ये माइनस टेन इधर आ गया, तो टेन बाई आर टू की वैल्यू यहां से निकल जाएगी टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये सेकंड निकल गया बच्चे, टेन बाई ए सी की वैल्यू निकल गई,
ऐसी 6/r3 निकाल दो सेटिस्फाई करा के, x की जगह -5 + r3 साइन कॉस थीटा माइनस वाई मतलब -4 + r3 साइन थीटा -5 0 होगा, -10 + 4 - 6 आ गया। तो यहां से देखोगे कि 6/r3 आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा। बच्चे चेक करके देख लो, ठीक है। अब ये रिलेशन हमारे पास दिया हुआ है तो आप लिखोगे 15/r1 ये है, इसकी वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू रख दो, तो देखो क्या बनता है। ये बनेगा cos थीटा प्लस 3 sin थीटा का स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 6/ad। तो यहां पे आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा। ये इक्वेशन बन गया बच्चे थीटा में। आप यहां से tan थीटा निकाल लो ताकि उस लाइन की स्लोप निकल जाए। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो उससे काम बन जाएगा। ये देखो इसमें cos स्क्वायर थीटा, इसमें 4 cos² थीटा, यहाँ पे cos है तो बचेगा 4 cos² थीटा, यहाँ 9 sin² ये sin स्क्वायर 10 हो गया, इधर sin स्क्वायर कैंसिल होके 9 sin² थीटा बचेगा। इसमें आ जाएगा 6 sin θ cos θ, इसमें हो गया 10 4 sin θ, तो 10 हो गया और इधर से इतना, तो ये आ जाएगा 12 sin θ cos θ इज इक्वल टू 0। इसको आप लिख दोगे 2 cos θ + 3 sin θ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से 2 cos θ की वैल्यू आ गई -3 sin θ, तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी -2/3। स्लोप निकल गया, ये पॉइंट दिया हुआ था -5 -4, स्लोप इसकी -2/3 आ गई, तो रिक्वायर्ड लाइन हो जाएगा y+4, स्लोप है -2/3, x+5। हमने पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करके हमने ये लाइन की इक्वेशन निकाला बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक यूज होता है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू लाइन। जैसे मान लो ये लाइन है 2x + 3y - 1 = 0 है, इस पे कोई भी पॉइंट होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसको 0 बनाएगा। लेकिन बाहर में कोई पॉइंट होगा अगर, तो या तो पॉजिटिव बनाएगा या नेगेटिव बनाएगा। जैसे ये देखो 0 0 इसमें रखे तो नेगेटिव बना रहा है, तो क्या होगा। जैसे अगर हम ग्राफ से बनाएं इसको तो थोड़ा सा और क्लियर होगा। 2x + 3y = 1 ऐसे लाइन है, 0 0 इसको नेगेटिव बना रहा है, इसका मतलब ये है कि इधर के जितने भी पॉइंट है सेम साइड वाले सारे इसको निगेटिव बनाएंगे, और इधर वाले जितने भी पॉइंट हैं वो सारे इसको क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। मतलब लाइन के सेम साइड में अगर 2 पॉइंट है तो ये जिस नेचर का बनाएगा ये भी उसको उसी नेचर का बनाएगा। सेम साइड में पॉइंट है, ये इसको जिस नेचर का बनाएगा ये भी उसको उसी नेचर का बनाएगा। सेम नेचर का कहने का मतलब अगर ये इसको पॉजिटिव बना रहा तो ये भी पॉजिटिव बनाएगा, ये इसको निगेटिव बना रहा तो ये भी इसको निगेटिव बनाएगा। और लाइन के दो तरफ अगर है 2 पॉइंट,
तो ये इसको जिस नेचर का बनाएगा ये उसको अपोजिट नेचर का बनाएगा, मतलब ये प्लस बनाएगा तो ये माइनस बनाएगा, ये माइनस बनाएगा तो ये इसको प्लस बनाएगा। आई बात समझ में? बोलो बच्चे। एक मिनट बच्चे, जैसे ये लाइन है 2x plus 3y minus 1 equal to 0, आपसे ये कहा गया कि अल्फा कॉमा 1 और 3 कॉमा 5 अल्फा सेम साइड में है, इस लाइन के सेम साइड में है अगर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो सेम साइड में होने का मतलब इसको सेम नेचर का बना रहा है, तो चलो इसमें अल्फा कॉमा 1 रखेंगे, x की जगह अल्फा, y की जगह 1 रखो तो ये आया, और ये जब रखोगे इसमें x की जगह 3 तो ये 6, और y की जगह 5 अल्फा रखोगे तो ये 15 अल्फा माइनस 1। सेम नेचर का बना रहा मतलब दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, और यहां से आप लिख सकते हो 2 अल्फा प्लस 2, टू चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो, अल्फा प्लस 1, और ये हो गया 15 अल्फा प्लस 5 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर का साइन मतलब रूट के बाहर, और इसके रूट आएंगे माइनस 1 बाई 3 और माइनस 1 आएंगे, इसके बाहर होगा, तो यहां पे कहेंगे अल्फा इधर लेस देन माइनस 1 बाई 3 और अल्फा ग्रेटर देन माइनस 1। ये समझ में आया बच्चे? Yes, sir. अगर इसी क्वेश्चन में कहता 2x plus 3y minus 1 equal to 0 है, ये अल्फा कॉमा 1 है और ये 3 कॉमा 5 अल्फा है, अपोजिट साइड में है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो अपोजिट साइड में है तो ये इसको जिस नेचर का बनाएगा ये उसको अपोजिट नेचर का बनाएगा, तो ये जो लास्ट स्टेप है ना अल्फा प्लस 1 15 अल्फा प्लस 5, ये लेस देन जीरो आ जाता, लेस का साइन तो रूट के अंदर आता, तो आप कहते अल्फा की वैल्यू माइनस 1 बाई 3 से माइनस 1। अपोजिट लिखा है सर, शायद माइनस 1 से माइनस 1 बाई 3 और ऊपर भी सर गलत लिख दिया ना यहाँ पे। यस सर, ये माइनस 1 है, ये 1 बाई 3 है, माइनस 1 बाई 3, तो ये माइनस 1 से कम और माइनस 1 बाई 3 से ज्यादा, और यहां पे आएगा अल्फा की वैल्यू माइनस 1 से लेके कहां तक, माइनस 1 बाई 3। ठीक है ना? यस सर। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। जैसे बी सेक्शन का एक 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा कि ए कॉमा ए स्क्वायर falls inside the angle made by the lines y equal to x by 2, जहां पे x positive है, and y equal to 3x, जहां पे x positive है, ठीक है ना? तो a comma a square falls inside the angle made by the lines, तो a belongs to, तो यहाँ पे x पॉजिटिव है मतलब इस लाइन के इधर की बात हो रही है, तो y इक्वल टू 3x ऐसा लाइन होगा, और y इज इक्वल टू x बाई 2 ऐसा लाइन होगा। x पॉजिटिव है मतलब इसके इधर की बात हो रही है,
तो ए कॉमा ए स्क्वायर फॉल्स इनसाइड द एंगल मेड बाय लाइन, ये लाइन एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स पॉजिटिव मतलब इधर, तो ए कॉमा ए स्क्वायर जो है वो इसके बीच में कहीं है, तो ए की वैल्यू बतानी है बच्चे। तो ये अगर इसके बीच में है तो कंफर्म है कि ये इसको जिस नेचर का बनाएगा, देखो जरा ध्यान से, जैसे यहां पे कोई पॉइंट लिया बच्चे, यहां पे कोई पॉइंट लिया, मान लो कि आपने 2,0 लिया, तो 2,0 इसको क्या बना रहा है बताओगे जरा, टू कॉमा जीरो इसको क्या बना रहा है, पॉजिटिव बना रहा ना, हाँ या ना? यस सर। तो ये पॉइंट इस लाइन के इधर है, तो ये पॉजिटिव बना रहा, तो ये इसको क्या बनाएगा, नेगेटिव। तो a माइनस टू ए स्क्वायर लेस देन जीरो होगा, एंड ध्यान से देखो 2,0 इसको पॉजिटिव बना रहा, तो ये वाला जो है इस लाइन के इधर है, तो ये भी इसको पॉजिटिव बनाएगा, यानी 3a माइनस ए स्क्वायर ये ग्रेटर देन जीरो होगा बच्चे। ये दोनों को साथ साथ सॉल्व करना है, यहां से देखो a कॉमन लिया, 1 माइनस टू ए लेस देन जीरो है, और a 2a माइनस 1 ग्रेटर देन जीरो हो गया, ग्रेटर का साइन तो रूट के बाहर, रूट आ रहा जीरो और हाफ, तो आइदर a लेस देन जीरो और a ग्रेटर देन हाफ हो जाएगा। इससे देखते हैं जरा, a कॉमन लिए तो 3 माइनस a ग्रेटर देन जीरो, माइनस से मल्टीप्लाई किए तो ऐसा आ जाएगा, तो यहां से ए की वैल्यू जीरो से थ्री हो जाएगी, तो कॉमन वैल्यू क्या आ जाएगा, हाफ से थ्री आ जाएगा। क्लियर है? बस ये ध्यान रखना, जैसे ये a कॉमा a स्क्वायर यहाँ पे है, अब इस लाइन को कैसा बनाएगा उसके लिए हमने इधर वाला एक पॉइंट आसान देख लिया कि ये इसको पॉजिटिव बना रहा, तो ये इसको नेगेटिव बनाएगा। अब ये इसको पॉजिटिव बना रहा है, तो इस लाइन के इधर का जितना भी पॉइंट है इसको पॉजिटिव बनाएगा। आई बात समझ में? ऐसी क्वेश्चन है सब्जेक्टिव का, घर पे ट्राई कर लोगे, 18 नंबर, उसमें क्या कहा गया है, डिटरमिन ऑल वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर लाइज इनसाइड द ट्रायंगल 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, 5x माइनस 6y माइनस 1 इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट है, हम चाहते हैं अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर ट्रायंगल के अंदर रहे, तो अल्फा की वैल्यू बताना है। वहां पे दो लाइन था, यहाँ पे तीन लाइन है बच्चे, ठीक है? तो क्या करो, सॉल्व करके ये सब पॉइंट बता दो जरा, इसको इसके साथ सॉल्व करके ये पॉइंट बताओ, इसको इसके साथ सॉल्व करके ये पॉइंट बताओ, ये तीनों पॉइंट पहले निकाल लो जरा बच्चे। ये पॉइंट निकाल लो, इसमें टू से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस करके ये पॉइंट बताओ जरा क्या आ रहा, प्रीतम बताना, ये पॉइंट यशस्वी बताना, ये पॉइंट अचल बताना जरा,
इन दोनों को सॉल्व करके ये पॉइंट बताओ जरा फटाफट। माइनस सेवन कोमा फाइव सर, ये वाला माइनस सेवन कोमा फाइव चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट बताओ यशस्वी। अचल ये वाला पॉइंट बताओ। सर फाइव कोमा माइनस वन, वन कोमा माइनस वन, फाइव कोमा माइनस वन, कितना? फाइव कोमा माइनस वन सर, फाइव कोमा माइनस वन। ये इसको कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है इसको? ये कहाँ इसको सेट? ये गलत निकाले हो। वन कोमा टू बाई थ्री होगा, वन कॉमा टू बाई थ्री ऊपर ऊपर वाला होगा वन बाई थ्री कॉमा वन बाई नाइन। चलो पहले इसको चेक कर लें, वन प्लस फोर बाई थ्री माइनस थ्री है, वन प्लस फोर बाई थ्री। ये कहाँ आ रहा बच्चे? ऊपर वाला वन बाई थ्री वन कॉमा वन बाई नाइन, ये वन बाई थ्री कॉमा वन बाई नाइन। ये वाला निकाल के बताओ, ये गलत बता रहे हो तुम लोग। सॉल्व करो फटाफट बताओ। सबका यही आ रहा। फाइव बाई फोर प्लस फोर्टीन बाई एट माइनस थ्री है, एलसीएम लेने आठ दस। ये तो सेटिस्फाई कर रहा बच्चा, फाइव बाई फोर चेक करो, ये सही लग रहा। विनीता चेक करो फिर से, सही है सर। चलो कोई बात नहीं, जो भी तुम लोग ने निकाला गलत सही इसी पे बता देता हूं। देखो जरा ध्यान से, अब जैसे ये पॉइंट है बच्चे, ये इसमें हमने रखा तो इसको पॉजिटिव बना रहा या निगेटिव बना रहा जरा चेक करो। माइनस सेवन कॉमा फाइव अगर इसमें रखे, इस लाइन में रखें, तो ये माइनस थर्टी फाइव माइनस निगेटिव बना रहा, तो इस लाइन के इधर के जितने भी पॉइंट होंगे इसको क्या बनाएंगे? तो फाइव अल्फा माइनस सिक्स अल्फा स्क्वायर माइनस वन लेस देन जीरो होगा, और सिक्स अल्फा स्क्वायर माइनस फाइव अल्फा प्लस वन ग्रेटर देन जीरो होगा। बोलो बच्चे, और सिक्स अल्फा स्क्वायर माइनस सिक्स अल्फा प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। कुछ गड़बड़ कर दिया, सिक्स ये प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस। टू थ्री के कॉम्बिनेशन से करो, इसके ग्रेटर का साइन तो रूट के बाहर, इसके रूट क्या आ रहे हैं? फाइव प्लस माइनस, एक वन बाई टू आ रहा है, एक माइनस वन बाई थ्री आ रहा है बच्चे।
तो अल्फा या तो लेस देन माइनस वन बाई थ्री होगा और अल्फा ग्रेटर देन हाफ हो जाएगा। बोलिए, ये देखो ये इसको निगेटिव बना रहा है। आएगा सर क्या? पॉजिटिव वन बाई थ्री आएगा, फोर बाई थ्री, ये वन बाई थ्री आ गया और ये वन बाई टू आ रहे हैं, तो हाफ ये वन बाई थ्री से लेस और हाफ से ज्यादा। ठीक है अब? यस सर। अब ये देखो बच्चे, ये इसको निगेटिव बना रहा तो ये भी इसको निगेटिव बनाएगा, तो अल्फा की इस वैल्यू से आपको पता चल रहा है कि ये पॉइंट जो है इस लाइन के इधर है, इससे ये नहीं पता चल रहा है कि ट्रायंगल के अंदर है। ये इसको निगेटिव बना रहा है, ये भी इसको निगेटिव बना रहा है, इधर के जितने भी पॉइंट होंगे सारे निगेटिव बनाएंगे, तो अल्फा की इस वैल्यू से आपको पता चलेगा कि ये पॉइंट इस लाइन के इधर है, नॉट इनसाइड ट्रायंगल। सेकंड, ऐसी करना, ये इसमें रखना, जिस नेचर का बनाएगा ये भी उसको उसी नेचर का बनाएगा, उससे अल्फा की सेकंड रेंज निकलेगी। ये इसको जिस नेचर का बनाएगा ये भी उसको उसी नेचर का बनाएगा, तो ये तीसरी वैल्यू निकलेगी अल्फा की। पहली वैल्यू से पता चलेगा कि ये पॉइंट इस लाइन के इधर है, सेकंड वाले वैल्यू से पता चलेगा कि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, और थर्ड वाले से पता चलेगा कि ये पॉइंट इस लाइन के राइट में है। तो जो कॉमन वैल्यू होगा उससे क्या पता चलेगा, इसमें से जो कॉमन आएगा, इसके ऊपर, इसके इधर, इसके इधर, मतलब ट्रायंगल के अंदर हो जाएगा। इन तीनों का जो कॉमन ले लोगे ना तो उससे वो ट्रायंगल के अंदर हो जाएगा। बच्चे ये समझ में आया? यस सर। तो इसको आप कंप्लीट कर सकते हो बच्चे। तो एक इस लॉजिक का क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में कभी कभी ये भी आता है, जैसे ये लाइन है ax plus by plus c equal to 0 और प्लेन में n पॉइंट्स हैं, मान लो x1 y1 x2 y2 इधर कुछ x3 y3 x4 y4 ऐसे टोटल इसमें मान लो n पॉइंट्स हैं, कुछ ऊपर है कुछ नीचे है बच्चे, तो ये बताओ ये जो पॉइंट है लाइन पे नहीं है तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो किस नेचर का बनाएगा, पॉजिटिव या निगेटिव बनाएगा? ये भी इसको, ये जिस नेचर का बनाएगा ये भी उसको उसी नेचर का बनाएगा। कहने का मतलब जब पॉइंट आप इसमें रखोगे तो कुछ पॉइंट इसको पॉजिटिव बनाएगा, कुछ पॉइंट इसको निगेटिव बनाएगा, तो हो सकता है कि उनका सम जीरो हो जाए। तो यहां पे कहा ये जा रहा है, ध्यान से सुनना जरा, इन पॉइंट से, इन पॉइंट का इस लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका अल्जेब्रिक सम जीरो है, उसका अल्जेब्रिक सम क्या है, जीरो है। इस पॉइंट का जो इससे डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस मतलब मैग्नीट्यूड की बात नहीं हो रही है, कह रहा है कि उसका जो अल्जेब्रिक सम है वो जीरो है। ठीक है बच्चे, अल्जेब्रिक सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑल दीज एन पॉइंट्स टू दिस लाइन इज जीरो। तो आप ये देखोगे कि ये जो लाइन होगा इन सारे पॉइंट के मीन पोजीशन से पास करेगा, ये जो लाइन होगा इन सारे पॉइंट के मीन पोजीशन से पास करेगा। अल्जेब्रिक सम जीरो है बच्चे, x1 y1 का जब आप लाइन से डिस्टेंस निकालोगे तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी आएगा, डिवाइड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी, आप डिस्टेंस के लिए मॉड लेते हो, लेकिन बात हो रही है अल्जेब्रिक सम की, तो आपको मॉड नहीं लेना है बच्चे, नहीं लोगे तभी तो कुछ पॉजिटिव आएगा कुछ निगेटिव आएगा और सम जीरो हो जाएगा। ये पहले पॉइंट से उसका डिस्टेंस है का अल्जेब्रिक वैल्यू है, सेकंड वाले का ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
ऐसे लिखते जाएंगे, nth पॉइंट से आ जाएगा दिस अपॉन दिस. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जीरो दिया हुआ है, तो यहां से जब एलसीएम लोगे इधर जाके वो खत्म हो जाएगा. ए के साथ आ जाएगा एक्स वन से लेके एक्स एन तक, बी के साथ आ जाएगा वाई वन से लेके वाई एन तक, और सी आ जाएगा एन बार. ऐसे लिख लेंगे, एन से डिवाइड करेंगे, ये आ गया ऐसे लिख सकते हैं. और हमारे पास लाइन दिया हुआ था ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो. आप देखो x की जगह ये लिखा हुआ है, y की जगह ये लिखा हुआ है, तो आप कह सकते हो कि क्लियरली दिस लाइन पासेस थ्रू यही मीन पोजीशन का कोऑर्डिनेट है भाई, उससे पास करता है. अगर अलजेब्रिक सम जीरो हो जाएगा ना तो उसके मीन पोजीशन से पास कर जाएगा. बच्चे याद रहेगा ये रिजल्ट. जैसे ये क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स में सेवंथ नंबर, लेट अलजेब्रिक सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2,0, 0,2 एंड 1,1. ये लाइन है, मान लो ये 0,2 है, ये 1,1 है और 2,0 है. इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम जीरो है. तो क्वेश्चन में कह रहा, ध्यान से सुनना, लेट अलजेब्रिक सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2,0 और 1,1 टू ए वेरिएबल स्ट्रेट लाइन बी जीरो. ये वेरिएबल स्ट्रेट लाइन है, ये तीनों से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम जीरो हो रहा है, अलजेब्रिक सम. तो ये लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास करेगा, वो फिक्स पॉइंट बताना है. तो आप कहोगे कि ये जो लाइन है ये तीनों की मीन पोजिशन से पास करेगा. मीन पोजिशन इस केस में इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड हो जाएगा. x1 वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री करोगे तो ये 1 आएगा, y1 वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री करोगे तो ये आएगा. इस पॉइंट से पास करेगा बच्चे, ये लाइन 1,1 से पास कर जाएगा. ये समझ में आया? क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, ये भी ध्यान रखोगे आइसोसेलेसस ट्रायंगल में क्या होता है. जैसे ये ट्रायंगल है, आइसोसेलेसस ट्रायंगल है, मान लो ए बी सी आइसोसेलेसस ट्रायंगल है. आइसोसेलेसस है इसका मतलब है ये और ये इक्वल, और यहां से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो इसको बाइसेक्ट करता है और इस एंगल को भी बाइसेक्ट करता है. मतलब ये वाला जो लाइन होता है ना, ये वाला जो लाइन होता है वो इस एंगल का बाइसेक्टर होता है. तो ये दो लाइन का एक एंगल ये वाला हो गया बाइसेक्टर, दूसरा होगा इस एंगल का बाइसेक्टर होगा. और बाइसेक्टर हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं बच्चे. यहां से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप किए थे तो
तो आपने ये कहा कि ये वाला जो लाइन है वो इस एंगल का बाइसेक्टर है, तो इस एंगल का बाइसेक्टर ये वाला हो जाएगा, और बाइसेक्टर 90 डिग्री पर होता है तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, इसका मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल हो जाएगा। यानी आइसोसेलेसियस ट्रायंगल में जो थर्ड साइड होता है वो इस एंगल का बाइसेक्टर हो जाएगा। और किसी ने अगर ऐसे बना दिया, जरा ध्यान से देखिएगा, मान लो थर्ड साइड ऐसे बना दिया तो वो इस एंगल का बाइसेक्टर होगा, और अगर थर्ड साइड ये वाला बना दिया तो वो इस एंगल का बाइसेक्टर हो जाएगा। ये वाला इसके पैरेलल होगा, इधर वाला इसके पैरेलल होगा। मतलब आपको ध्यान रखना है कि आइसोसेलेसियस ट्रायंगल में जो थर्ड साइड होता है वो एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल होता है, याद रहेगा। जैसे इस पे दो क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 9 भी है सब्जेक्टिव का, और क्वेश्चन नंबर 14 भी है, दोनों एक ही तरीके का क्वेश्चन है, इसको ट्राई कर सकते हो। इसमें क्या कह रहा, टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेसियस ट्रायंगल इज गिवन बाय 7x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। जो इक्वल साइड है वो इसकी इक्वेशन ये दी हुई है, और कह रहा थर्ड साइड जो है वो पास कर रहा 1, -10 से। तो मान लो कि ये 1, -10 है, थर्ड साइड यहां से पास कर रहा, तो एक तो इधर भी हो सकता है और एक ऐसे भी हो सकता है। थर्ड साइड ये बन गया, ये आइसोसेलेसियस ट्रायंगल बन जाएगा, और एक आइसोसेलेसियस ट्रायंगल ये वाला बन जाएगा। तो आपसे कह रहा है कि थर्ड साइड की इक्वेशन बतानी है, तो आप क्या करना, आपके पास ये दो लाइन दिया हुआ बाइसेक्टर की इक्वेशन लिख लेना, तो आपको इसका स्लोप और इसका स्लोप मिल जाएगा। जैसे x प्लस वाई माइनस 3 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7x माइनस वाई प्लस 3 बाई रूट 50 है, 5 रूट 2 होगा, इससे ये कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों की लाइन की स्लोप निकाल लेना, प्लस के साथ स्लोप निकल जाएगा, माइनस के साथ स्लोप निकल जाएगा। बच्चे ये समझ में आया, बोलो। जैसी इसकी स्लोप निकल गई, यानी इसकी स्लोप निकल गई, ये पॉइंट पर था, आप लाइन लिख लो, इसकी भी स्लोप निकल गई है, तो ये मतलब m की दो वैल्यू आई है ना यहाँ पे, तो आप लाइन की इक्वेशन ऐसे लिख सकते हो, y प्लस 10 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और यहाँ पे स्लोप लिख देना, तो दो बार लिखोगे तो दो इक्वेशन ऐसा आएगा। कर सकते हो, एक मेथड है, दूसरे मेथड से भी आप कर सकते हो, लेकिन एक मेथड ये भी है, याद रहेगा, बोलो बच्चे। यस सर। अच्छा, रोम्बस में क्या होता है, ये मान लो रोम्बस हमने बनाया, सारे साइड का लेंथ इक्वल होता है, ये इसके पैरेलल होता है, ये इसके पैरेलल होता है, और जो डायगोनल के बीच में एंगल होता है वो कितना 90 डिग्री होता है बच्चे, ठीक है। ये इसके पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल होगा, सबकी लेंथ बराबर होती है, डायगोनल के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। यहां पे क्या हो रहा है ये देखो जरा, क्यों 90 डिग्री होता है ये भी आप समझ लो, पहले ये जरा ध्यान से देखिएगा, ये इसके पैरेलल है, तो ये अगर एंगल अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, क्लियर है, बोलो। यस सर। अच्छा,
ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है तो इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल आइसोसेलेसेस होने से ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा। बोलो, ये भी आइसोसेलेसेस ट्रायंगल है, देखो ये ए है, ये ए है, ये अल्फा तो ये भी अल्फा होगा। सपोज करो ये एंगल बीटा है तो ये भी बीटा होगा। अब इस ट्रायंगल में जरा ध्यान से देखना, ये ए है, ये ए है, ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा। अब ये देखिए इस ट्रायंगल में, देखिए ये आइसोसेलेसेस ट्रायंगल है, ये ए है, ये ए है तो ये भी बीटा होगा। तो यहां पे एक बात ये भी है कि जो डायगोनल होते हैं यहां पे वो इस एंगल का बाइसेक्टर होता है, जो डायगोनल होगा वो इस एंगल का बाइसेक्टर होगा और ये वाला इस एंगल का बाइसेक्टर होगा। ये समझ में आया? और साथ में आप ये तो देख ही सकते हो कि भाई क्यों ये 90 डिग्री होगा ये वाला और ये वाला, वो आप समझ सकते हो। यहां पे ये दोनों जो है, या आप ऐसा कह दो कि भाई 2 बीटा प्लस 2 अल्फा इनका सम कितना होगा, इस ट्रायंगल में एंगल का सम जो होगा वो 180 होने से अल्फा प्लस बीटा 90 होगा। अब अल्फा प्लस बीटा 90 है तो ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। मेन आपको ये फिगर में ध्यान रखना है कि जो डायगोनल होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, ठीक है। तो मान लो अगर इसके पैरेलल कोई भी साइड दिया हुआ, मतलब कोई ये इसके पैरेलल अगर है और ये वाला इसके पैरेलल है, तो क्या होगा, इसका जो बाइसेक्टर होगा ना वो इस एंगल के बाइसेक्टर के पैरेलल हो जाएगा। अगर ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो इसका जो बाइसेक्टर होगा वो इसके बाइसेक्टर के पैरेलल हो जाएगा। तो रॉम्बस पे आप क्वेश्चन कर सकते हो, सब्जेक्टिव में 11 नंबर क्वेश्चन कर सकते हो और बी सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 13 कर सकते हो बच्चे, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो बाइसेक्ट भी करेगा, करेगा। बोलो बच्चे, ये पैरेललोग्राम भी है ना, ये लेंथ इस लेंथ के बराबर होगा, ये लेंथ इस लेंथ के बराबर होगा। जैसे इस क्वेश्चन में 33 वाले में जरा ध्यान से देखिएगा, टू साइड्स ऑफ द रोम्बस आर अलोंग द लाइंस दिया हुआ है और डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है। ये देखो इसका जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट कर रहा है 1, -1, -2 पे, और टू साइड्स ऑफ रोम्बस आर अलोंग द लाइन, ये इस लाइन के लॉन्ग है x-y+1=0 एंड 7x-y-5=0। ये वाला मान लो इस लाइन के लॉन्ग, ये x-y+1=0 है और दूसरा मान लो कि 7x-y-5=0 है। टू साइड्स ऑफ द रोम्बस आर अलोंग दिस लाइन, डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे 1, -2 पे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्टेक्स ऑफ द रोम्बस, रोम्बस के वर्टेक्स निकालने हैं बच्चे, ठीक है। तो क्या करेंगे बताओ जरा, ये पॉइंट तो निकल जाएगा ना। बोलो बच्चे, ये पॉइंट निकल गया तो ये पॉइंट भी निकल जाएगा, क्योंकि ये तो मिडिल पॉइंट होगा इसका। अच्छा, इसके बाइसेक्टर की दो इक्वेशन आएगी बच्चे, इसके बाइसेक्टर की दो इक्वेशन होगी, एक ये वाला होगा और एक ये वाला होगा।
ये वाला इसके पैरेलल होगा, ये वाला इसके पैरेलल होगा बच्चे। तो जब आप बाइसेक्टर लिखोगे ना इसके, तो ये तो आपको निकला हुआ है क्योंकि ये पॉइंट निकला हुआ है, ये पॉइंट निकला हुआ, तो आपको इसकी स्लोप पता है। तो जो दूसरी वाली होगी बाइसेक्टर, इसकी स्लोप निकल जाएगी। ये पॉइंट पता है, ये लाइन पता है, स्लोप पता है, ये लाइन लिख लेना सॉल्व करके, ये पॉइंट और ये पॉइंट भी निकल जाएगा। कर लोगे? तो ये 33 नंबर भी ट्राई कर लेना बेटे। तो हमने एक आइडिया दिया है स्ट्रेट लाइन चैप्टर का भी, आप अपने से जब तक बनाओगे नहीं 100 क्वेश्चन, तब तक बात बनेगी नहीं। 100 क्वेश्चन इसमें बनाइए, 100 क्वेश्चन इंडिफिनिट में बनाइए, तब तैयारी होगी। ठीक है? ओके सर। ओके, यहाँ तक रिवाइज कीजिए।